हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और आज सैटरडे है। तो जैसा कि आपको मालूम है, अपनी 5 बजे और 8 बजे वाली क्लास तो हमेशा की तरह होती होती है। तो आज है दोस्तों 24 तारीख और 24 तारीख का आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कवर करने वाले हैं। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में से कैसे कैसे सवाल है जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना शुरू करी है, यानी कि क्रॉप लोन स्कीम है जिसमें कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। YSR नाम आते ही आप समझ जाते हैं कि यह स्कीम आंध्र प्रदेश की होगी। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका डी। तो जगमोहन रेड्डी जी के द्वारा दोस्तों ये स्कीम है जो कि लॉन्च करी गई है, जिसमें 65,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट है जो कि फार्मर के लिए किया गया है। ओके गाइस, जिसमें से 128 करोड़ रुपए डायरेक्टली जो है बैंक अकाउंट में क्रेडिट करे जाएंगे नियर बाय 6 लाख फार्मर के। ओके गाइस, और 1 लाख रुपए का लोन है जो कि यहां पे दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें, गवर्नर हरिचंदन जी है और सीएम यहां पे जगमोहन रेड्डी जी है, जैसा कि आपको मालूम है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आपको मालूम है अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, IIT, नीट, UPSC, PCS, SSC, बैंक, कोई भी एग्जाम 30+ एग्जाम में से, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे जाके प्लस में जाइए और प्लस में जाने के बाद रेफरल कोड आपसे पूछेगा तो BHU10 है जो कि आपको लगा देना है, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा SSC, बैंकिंग, UPSC, PCS, डिफेंस किसी भी एग्जाम में। ठीक है, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने में 2 मंथ फ्री मिलेगा। अभी रिसेंटली मैंने इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करी है 2 दिन पहले, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। बैच फाउंडेशन बैच है जिसमें मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, साथ में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और साथ में आज सुबह 10 बजे क्लास है स्टैटिक जीके की, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसने TB वैक्सीन पर 5वें ग्लोबल फोरम को वस्तुत संबोधित किया। टीबी वैक्सीन का जो दोस्तों अभी 5वां ग्लोबल फोरम की यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसको किसने, हर्षवर्धन जी ने दोस्तों चेयर किया है, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। समझ गए, बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे एड्रेस है जो कि किया है। ओके गाइज, आपको मालूम है इंडिया के अंदर आज भी टीबी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है और 2030 तक का हमने टारगेट किया है कि ग्लोबली हम इसको 2030 तक और इंडिया में 2025 तक जो है हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टारगेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन द्वारा निम्नलिखित में से किसे बाहरी ऑडिटर के रूप में चुना गया है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे किसी क्या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिटर के रूप में बुलाती है, जो कि मेजरली कौन सा है, कैग है। कैग का काम भी ऑडिट करने का ही है, तो इंटरनेशनल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का भी है ऑडिट करती है, और अभी जो कैग के हमारे हेड कौन है, मुर्मू जी, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मुर्मू जी जो है उनको एक्सटर्नल ऑडिटर जो है OPCW का चुना गया है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। ओके, ये दुनिया में केमिकल वेपन को खत्म करने का काम करती है और इनको 3 साल के लिए दोस्तों चुना गया है ऑडिटर के तौर पर। ओके गाइज, ठीक है, साथ में 1997 में इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, हेग के अंदर हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर यहाँ पे फर्नांडो है जो कि अभी OPCW का है। निम्नलिखित में से कौन विश्व शहरों के सांस्कृतिक फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जल्दी बताइए। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम 2021, इसमें कौन रिप्रेजेंट करने वाला है, इसमें दोस्तों केजरीवाल जी है जो कि रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है गाइज, तो चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल जी है वो रिप्रेजेंट करेंगे दिल्ली को, इंडिया को। ओके, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के अंदर जो मेयर के लंदन है ना, उनके द्वारा, सादिक खान है, उनके द्वारा इनको इनवाइट है जो कि किया गया है। यहाँ पे दुनिया की 40 टॉप सिटीज के दोस्तों मेयर आने वाले हैं, CM आने वाले हैं, और यहाँ पे कल्चर को लेकर, कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल किया गया, कैसे काम किया गया, हर चीज को लेकर बातचीत करी जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की शुरुआत 2013 में हुई थी और दुनिया की 43 मेजर सिटीज है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करती है। चलिए, और इसका थीम रखा गया है द फ्यूचर ऑफ कल्चर, ये थीम है जो कि रखा गया है। फर्स्ट रैंक बैंक जिसने भारत से अपनी बैंकिंग सेवाओं को वापस लेने का फैसला किया है, ये कौन से देश का है, कौन सा है, फर्स्ट रैंक बैंक ने दोस्तों फैसला ले लिया है कि वो अपना जो है इंडिया से बैंकिंग को बंद कर रहा है, और ये बहुत ही पुराना बैंक है, 12 साल पुराना, साउथ अफ्रीका का दोस्तों बैंक है।
सेकंड लार्जेस्ट बैंक है साउथ अफ्रीका का, 12 साल इंडिया में आने के बाद में दोस्तों इसने एग्जिट है जो कि ले लिया। इससे पहले सिटी ग्रुप भी चला गया था, आपको मालूम है ना सिटी बैंक है, वो भी इससे पहले कुछ दिन पहले उन्होंने भी अनाउंसमेंट है जो कि किया था, ठीक है। चलिए, और पूरी दुनिया भर में सिटीजेंट बैंक काफी बड़ा है, 118 बिलियन डॉलर का बैंक है पूरी दुनिया में। 2009 में इन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया था काम। और साउथ अफ्रीका की बात करें, रैमफोसा प्रेजेंट है, कैपिटल केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लैकफोंटेन है, और रैंड है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड को अपना डिजिटल सलाहकार नियुक्त किया है? कौन से बैंक ने दोस्तों अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड को अपना डिजिटल कंसल्टेंट है जो कि चुना है? तो ये चुनने वाला है इंडियन ओवरसीज बैंक, तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है गाइस। चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो इन्होंने अपने इस कंपनी को डिजिटल कंसल्टेंट के तौर में दोस्तों चुना है ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। जो ये बाकी बैंक है ना, अपने HDFC, ICICI, SBI, इनके अलावा जो बाकी बैंक है, इनके हालात बहुत खराब है, इनको सच में जो है कुछ ना कुछ करने की जरूरत है ताकि ये कम से कम सर्वाइव कर सके। इनके पास पता नहीं कोई काम करने का मोटिवेशन ही नहीं है क्या, ये बिल्कुल भी मेन कैटेगरी के अंदर लीड नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ऐसा चलता रहेगा तो ये वैसे ही मर्ज हो चुके हैं, होते होते खत्म हो जाएंगे, भारत में 4 बैंक रहेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स आपको मालूम है दोस्तों इससे कम हो जाएगी ऑलरेडी, और जो भारत का स्ट्रक्चर है बैंकिंग का जो बहुत ही मजबूत है, वो भी कुछ ही बैंकों के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, तो वो भी सही नहीं है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में स्टार्ट हुआ था, और प्रतिम जी अभी इसके CEO हैं, चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो यह नया इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है। भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने अर्जुन कल्याण निम्नलिखित में से किस राज्य से है? 68 ग्रैंड मास्टर, मैंने आपको बताया था ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपको एक रैंकिंग होती है, इलो रेटिंग, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं 2500 के आसपास, आपको कुछ अच्छे प्लेयर्स में बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होता है, परफॉर्म करना होता है, तब जाके ग्रैंड मास्टर बनते हैं। तो भारत में 68वां जो ग्रैंड मास्टर बने वो अर्जुन जी बने हैं, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है गाइस। गुरेश जी भी आपको मालूम है, गुरेश नाम के 13-14 साल का बच्चा था, वो भी ग्रैंड मास्टर बने, जो कि इंडिया के यंगेस्ट भी है। गवर्नर बात करें तमिलनाडु के, बनवारी लाल पुरोहित है, पलानी स्वामी जी CM है, कैपिटल चेन्नई है, और आप देख सकते हैं ये देखिए 2500 इलो रेटिंग है जो कि चाहिए होती है, क्रॉस करनी होती है, और वो इन्होंने करी है। ओके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 4वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखिए, सबसे पहले जो खेलो इंडिया गेम्स खेले गए थे वो दिल्ली में खेले गए थे, उसके बाद में आपको मालूम है सेकंड वाले हुए थे पुणे के अंदर, थर्ड वाले हुए गुवाहाटी के अंदर। पहले तो क्या था कि शुरुआत में तो खेलो इंडिया गेम्स ही थे जिसमें स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, फिर ये क्या हो गया, स्कूल के अलावा कॉलेज के बच्चे भी पार्टिसिपेट करने लग गए, फिर ये खेलो इंडिया से बन गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। पहले वाले में स्कूल का था, दूसरे सेकंड के अंदर ये यूथ वाला बन गया। अब चौथा वाला जो होगा ना वो हरियाणा और दिल्ली दोनों में करवाए जा रहे हैं, तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समझ गए। पहले वाले में स्कूल वालों में हरियाणा चैंपियन रहा, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में महाराष्ट्र चैंपियन रहा। अब देखते हैं कौन बनेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो नवंबर से दिसंबर में करवाया जाएगा, 4th एडिशन है, पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सब सिटीज के अंदर इसको करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स गेम भी दोस्तों 2021 भी करवाने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ में। ये देखिए, सबसे पहले दिल्ली में हुआ, फिर पुणे में हुआ, और उसके बाद में गुवाहाटी के अंदर हुआ था। और इसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसे 1000 बच्चे चुनते हैं स्पोर्ट्समैन, जिनको 8 साल के लिए 5 लाख रुपए पर ईयर है जो कि मिलते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, मतलब उनको पैसे मिलते हैं, तो काफी ग्रास रूट के ऊपर काम किया जाता है। मतलब मौलाना वहीदुद्दीन खान, जिनका 96 की आयु में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध डैच थे। तो मौलाना वहीदुद्दीन खान दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलर थे, जिन्होंने पीस के लिए बहुत काम किया है, जिन्होंने हमेशा डायलॉग के ऊपर बात करने के लिए बोला करते थे, मुस्लिम स्कॉलर थे, है ना, इस्लामिक स्कॉलर थे, और काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। कोविड-19 में इनको हो गया था, बहुत ही पीस एक्टिविस्ट थे। इन्होंने दोस्तों जो है रिटर्न कॉमेंट्री को रिटर्न करने के लिए बोला, ट्रांसलेट भी किया इंग्लिश के अंदर, है ना। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जो 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम है पूरे दुनिया में उसमें इनका नाम आता है। पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया, ओके, भूषण भी इनको मिला हुआ है। और इन्होंने दोस्तों ये भी बोला था उस टाइम पे बाबरी मस्जिद मैटर को रिजॉल्व करने के लिए कि ठीक है, जिसको मैटर को रिजॉल्व किया जाए और इसको जो है मंदिर यहाँ पे अलाउ कर दिया जाए,
है ना, तो वो भी काफी अपील है जो कि इन्होंने पीस के लिए करी थी। वित्त मंत्री 2022 के नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नैसकॉम एक ऐसी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सारे BPO सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जो सारे लोग हैं ना वो इसके अंदर मेंबर बने हुए हैं और 2 लाख से भी ज़्यादा कंपनीज की मेंबर है। तो नैसकॉम के अभी जो रिसेंटली बनाए गए हैं दोस्तों चेयरमैन, वो रेखा मैनन जी को बनाया गया है। ये एसेंचर कंपनी से बिलोंग करती है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ओके गाइज, तो इनको चेयरपर्सन 2021-22 के लिए बनाया गया। अभी एसेंचर के अंदर MD और चेयरपर्सन बनी हुई है और 30 साल के इतिहास के अंदर पहली महिला है जो कि चेयरपर्सन बनी है, रेखा मैनन जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की बात करें तो 23 अप्रैल को दोस्तों ये मनाया जाता है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत करी गई बुक को प्रमोट करने के लिए, कॉपीराइट को प्रमोट करने के लिए, समझ गए। और आपको मालूम है दोस्तों यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो चुना है ना वो क्यों चुना है, क्योंकि इसी दिन विलियम शेक्सपियर की भी मृत्यु हुई थी। ठीक है गाइस, तो इसीलिए इस दिन को चुना गया है और बुक फेस चैलेंज है जो कि इस साल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, 1995 से इसकी शुरुआत है जो कि करी गई, तो कुल मिला के बुक्स को प्रमोट है जो कि किया जाता है। डैश तक सरकार को लाभ के लिए नहीं दर पर वैक्सीन प्रदान करते हैं, कौन सी ऐसी कंपनी जिसने बोला है कि हम सरकार को नॉट फॉर प्रॉफिट रेट के ऊपर वैक्सीन है जो कि अवेलेबल करवा देंगे? अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने बोला है कि हमारे जो बनेगी ना उसी के ऊपर हम भारतीय सरकार को अवेलेबल करवा देंगे। आपको मालूम है अभी SSI ने तो पहले तो बोला था कि सेंटर का 150 रुपये में मिलेगा, स्टेट को 400 में और प्राइवेट को 600 में। फिर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ तो फिर SSI ने बोला कि भाई चलो ठीक है, सेंटर और स्टेट की दोनों की सेम रेट है जो कि कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मॉडर्ना ने ये बोला है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट रेट के ऊपर जो है वो भारतीय सरकार को वैक्सीन अवेलेबल करवाएगा। हालांकि इनकी रेट भी जो है वो उतनी ही पड़ेगी जितने की SSI की पड़ रही है, क्योंकि ये बाहर से आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको अनअकैडमी प्लस लेना है तो आप BHU 10 लगाइए। ओके, आप गुणेश 10 तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए इंडिया में, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 2 मंथ फ्री मिलेगा SSC के अंदर, जहाँ पे मेरी भी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी इकोनॉमिक्स की। स्टैटिक जीके की क्लास जो है वो आज सुबह 10 बजे है, ज्वाइन कर लीजिएगा। के रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के अनुमान को कितना कम कर दिया है? के रेटिंग ने दोस्तों इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो कम करी है, कितनी कम करी है ये आपको बताना है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं वापस से 8 बजे वाले क्लास में, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।